हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल MBA to Z। आज दर से बात करते हैं कैट प्रिपरेशन के बारे में। व्हाट विल बी द नाइन्थ मंथ स्ट्रेटेजी, आई मीन दैट मार्च 23 से नवंबर 23। सो मार्च तो स्टार्ट हो गया, जो भी है तो मैं एक एक चीज करके बता रहा हूँ, आप लोग एक चीज करके सुनिए। हर महीने में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 26 नवंबर 23 में आपको कैट का एग्जाम हो जाएगा। कैट टेस्ट डेट will be on 26 November and 2 hours time, 2 घंटे का time है, okay? तो पहले बार आता है क्या ना, जब मार्च का शुरू में, मार्च में क्या होगा ना, इस महीने में जाकर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग करना सीखो, क्योंकि आपको BRC, व्हाट आर द सिलेबस ऑफ BRC, DILR एंड क्वांट। DILR में जैसे कि ना हमारा एक तो पूरा स्ट्रिक्ट रहता है, क्या ना स्ट्रिक्ट लोग मेंटेन करता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट से एंड द सिटिंग अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। DILR से क्या होगा ना, आपको क्वांट का बारे में जो भी कच्चा कच्ची है उसका क्वेश्चन आता रहेगा, ओके। सो दिस इज द थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग करने का तो है ही, उसके साथ साथ क्या है ना, प्रैक्टिस भी करना है। सो प्रैक्टिस नहीं करने से आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, ओके। सो दिस इज द थिंग। इसके बाद क्या होगा ना, आपको क्या है ना, जाके BRC में आपको ENSA कम से कम 200 को ENSA को पढ़ना है। और ENSA कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ENSA कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, मार्च महीने में आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस करना है। और क्वांट में मैं बताता हूँ, एरिथमेटिक को बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि 11 को क्वेश्चन एरिथमेटिक से रहेगा। सो 11 का क्वेश्चन एरिथमेटिक से रहेगा, बाकी जो आपको 22 को क्वेश्चन में एरिथमेटिक का जो क्वेश्चन है, आपको क्या होगा ना, आपको वहाँ पर एलजेब्रा का पोर्शन, जियोमेट्री का पोर्शन, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पोर्शन, ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन एंड मॉडर्न मॉथ लेके आपको बाकी 11 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आपको 6 को 12 को क्वेश्चन टोटल कर पाएगा, एरिथमेटिक से 6 को, दूसरा जो ब्रांच रहेगा उसमें से 6 को क्वेश्चन करने से आपको 99.99% आ जाएगा, ओके। एंड अप्रैल महीने में क्या करना है, तो मेरे को अप्रैल महीने में जो करना है वो क्या है ना, देखो पहले नोट्स मेकिंग करना है। नोट्स मेकिंग मतलब किस चीज़ का नोट्स मेकिंग ना, DILR का नोट्स मेकिंग एंड क्वांट्स का नोट मेकिंग, ओके। तो DILR का नोट मेकिंग जो है उसमें क्या रहा होगा ना, आपको जो भी है DILR का नोट मेकिंग जो करना है उसमें एक भी चीज़ करना है, क्योंकि जैसे कि ना जितना ज़्यादा हमारा शॉर्टकट प्रोसेस है उसको मेंशन करना है। एंड गेम मान लो आप गेम्स एंड टूर्नामेंट पकड़े हो, तो वही चैप्टर हो जाने के बाद 2 को पढ़ना छोड़ के सिटिंग अरेंजमेंट का मान लो उसके बाद पकड़े हो कि कैसलेट्स पकड़े हो, उसको जाके करना है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको मॉक टेस्ट का बारे में कि प्रैक्टिस जब करोगे उस टाइम कुछ नया कुछ आएगा, तो उसमें ट्रिक्स लिख के रखना है, ओके। दैट इज द नोट मेकिंग प्रोसीजर फॉर द क्वांट्स ऑल्सो। क्वांट्स में भी आपको चैप्टर वाइज आपको करना है ऐसे ही, और क्या है ना, जो स्टडी करना है और सॉल्व करते जाना है। DILR का पोर्शन, क्वांट्स का पोर्शन, BRC का, आपको जो जितना आपको टीटा का क्वेश्चन जो आता है, पैराजम्बल, पैरासमरी एंड द ऑड मैन आउट पोर्शन, ओके। नेक्स्ट इज दैट मई महीने में क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है सिर्फ ये सब जो चीज़ है, आपको मेरा जो क्वांट का जो आपको साम्स है, उसके बाद DILR का जो साम्स है प्रैक्टिस करना है, उसका सॉल्व करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करने का टाइम है, पीछे मुड़ के मेरे को देखना नहीं है सॉल्व कैसे क्या है, ओके। क्योंकि किताब में जो है क्या ना, पीछे में सॉल्व दे रहा था, उसको उलट पलट के देखना नहीं है, तब जगह हमारा जो स्ट्रेटेजी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी कर नहीं पाऊंगा ऐसा। उसके बाद क्या करना है, उसी टाइम क्या ना, स्ट्रॉन्ग VRC का कॉन्सेप्ट, मतलब वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट करना है स्ट्रॉन्ग। तो तब जगह क्या होगा ना, हमारा मई महीना का जो स्ट्रेटेजी है कंप्लीट होगा एंड VRC में हमारा एक तो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। साथ साथ हमको ENSA भी पढ़ना है, ओके। सो दिस इज द थिंग। एंड देन जून महीने में क्या करना है, जून महीने में जो करना है, DILR का ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो मान लो आपको जो दिमाग में घुसता नहीं है वो आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद दुनिया सारा का आपको किताब है, उसके बाद दुनिया सारा सॉल्व पेपर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आप लिए हो ABCD, उसके से जाकर के DILR का ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एंड उसका जो ग्राफ है, पाई चार्ट है, डिफरेंट टाइप का चार्ट है, स्पाइडर ग्राफ है, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना मतलब इतना हाई प्रैक्टिस करना है जैसे कि ना कोई क्वेश्चन मेरा रोक नहीं सके। 4 को क्वेश्चन में हम 3 को क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि कैट में आपको 2 को DILR 2 को ELR का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें जाकर मैं 3 को क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, ऐसा करके आपको प्रैक्टिस करना है। देन जुलाई महीने में क्या करना है, आप देखो 4 महीने में आप जो किए हो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप मेरे को कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जुलाई महीने में आपको ओन स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, क्योंकि VRC का 24 को क्वेश्चन, हमारा क्वांट में आपको 22 को क्वेश्चन एंड DILR में आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जाकर कितना क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको 99.99% आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का नॉन इंजीनियर जो है उसको VRC स्ट्रांग रहेगा, जो इंजीनियर है उसको क्वांट स्ट्रांग रहेगा, जो इंजीनियर है उसको थोड़ा VRC, हो सकता है कि तीनों स्ट्रांग रहेगा दोनों का, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रांग रहेगा।
लेकिन DILR का जो DI पोर्शन जो है ना वो क्वांट का बराबर है, एक ही चीज सेम रहता है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। ओके, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन क्वांट यू विल ऑटोमेटिकली क्लियर द DI। ओके, दैट इज द डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो उसके बाद क्या है ना, जब मॉक्स टेस्ट स्टार्ट करना है, मॉक को चालू कर देना है टेस्ट। ओके, क्योंकि क्या होगा ना, 2 घंटा आपको बैठना है, 2 घंटा बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि जी कोई किताब में मेरे को 2 घंटा का एग्जाम देना है उसके बाद मैं उठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसमें क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक आपको जो सेक्शनल जो टाइम लिमिट है वो बंद हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड नेक्स्ट जो क्या है, अगस्त महीने में क्या करना है, अगस्त महीने में जो है टोटल सिलेबस को रिविजन करना है। तो टोटल सिलेबस को रिविजन करना है, जो VRC DILR एंड क्वांट का रहेगा, और जितना आप नोट्स बना चुके हैं उसको रिविजन करना है, मॉक टेस्ट को रेगुलर करना है, एंड न्यू चेकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट चैप्टर्स। क्योंकि आपको हो सकता है कि चैप्टर में कोई कोई चीज़ आपको छूट गया, हो सकता है कि आपको कोई गलत हो रहा है कॉन्सेप्ट में, वो आपको क्लियर कर लेना है उस टाइम। क्योंकि आपको अगस्त महीने में जितना सारा आपको रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं करके ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करके ऐसा नहीं करना था, उसी टाइम उसको जाके क्लियर कर लेना। ओके, एंड उसके बाद क्या है ना, सेप्टेम्बर महीना अक्टूबर महीना बहुत खुशी वाला है, तो सेप्टेम्बर महीने में क्या करना है, रिविजन देना है और मॉक्स देना है। मॉक्स जिस दिन दीजिएगा उसी दिन मॉक्स का एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि मॉक्स अगर 2 घंटे से दीजिएगा, भले 3 घंटे से आपको मॉक का एनालिसिस लगे वो करते रहिए, क्योंकि वैसा नहीं करने से क्या होगा ना, उसी दिन नहीं कीजिएगा तो आपको 1 दिन छुटा जाएगा, 2 दिन छुटा जाएगा, उसके बाद वो छूट ही जाएगा, वो कभी एनालिसिस नहीं हो पाता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो मॉक का एनालिसिस करना है तो अभी जाकर सेप्टेम्बर महीना में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, जब मॉक को 2 घंटे से आपको ऑनलाइन दीजिए, 40 40 40, मतलब 2 घंटा का टाइम है, 2 घंटा का टाइम में आपको बैठ के दीजिए, उठिए मत, तब जाके क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होगा, कैट में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, नहीं तो बाद में जाकर दिक्कत करेगा, वो एग्जाम हॉल में आपका हो नहीं पाएगा, वहाँ पर जाके देख लेंगे कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, देन अक्टूबर महीना, तो अक्टूबर महीना में हमको क्या करना है, क्या बिल्ड अप स्ट्रेटजी करना, जस्ट 1 मंथ बिफोर ऑफ द नवंबर, तो क्या होगा ना, 26 अक्टूबर से आपको एडमिट देना चालू हो जाएगा, एडमिट ऑफ कैट टेस्ट। एंड आपको क्या है ना, जो अगस्त एंड सेप्टेम्बर इस दोनों महीने से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कैट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से, एंड सेप्टेम्बर महीने में भी चलेगा रजिस्ट्रेशन। ओके, सो दिस इज द थिंग। अक्टूबर महीने में क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक एनालिसिस करना है, पूरा एकदम मॉक टेस्ट पूरा भर भर के देना है, एकदम कम से कम 20 गो मॉक टेस्ट देना है, और मॉक एनालिसिस को पूरा हर पकड़ के धर पकड़ के करना है उसको पूरा, एकदम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रहा हो, ABCD जो भी किताब फॉलो करो, उसको एकदम बढ़िया से A to Z करना है, DILR का हर चीज, क्वांट का जो मेरे को रुक रहा है उसको देखना है, एंड VRC में जैसे रुक रहा है उसको भी देखना है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट को मेरे को क्लियर कर लेना है, झाड़ पूछ के क्लियर कर लेना है, जो मेरा गलत हरा है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा, सीधा बात। देन नवंबर के 26 नवंबर अप टू 23 नवंबर तक आप कर सकते हो, 24 25 मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि 24 नवंबर में क्या होता है ना, जब नहीं सोगे ना, आपका सुबह में आपको शिफ्ट रहेगा, 8 8:30 बजे से आपका फास्ट शिफ्ट स्टार्ट होता है, तो उस दिन दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रात को सो के जाइए, नहीं तो क्या होगा ना, उस टाइम ऐसा नींद लाएगा ना, आप पागल हो जाओगे। ओके, एंड नवंबर महीने में क्या करना है, रिविजन ऑफ मॉक्स एंड मॉक्स का एनालिसिस करना है, जो मॉक्स जितना आप दे चुके अक्टूबर तक, उसी मॉक्स का जैसा आपका रोक रहा है, जो कॉपी में आप किए हो उसको मार्क करके रखो, हाईलाइट करके रखो, तो उसी का जो क्वेश्चन आपको रोक रहा है उसको जाकर रिविजन करो नवंबर में, मतलब 1 नवंबर से आपको मान लो 24 नवंबर या 25 नवंबर को छोड़ दीजिए, 24 नवंबर 23 नवंबर तक आपको इसको बढ़िया से उसको सॉल्व करते रहो, क्योंकि मेरे को इसे ऐसे ही करना है, रिविजन ऑफ मॉक्स, मॉक्स को रिविजन करना है, मॉक एनालिसिस को रिविजन करना है, तब जगह हमारा नवंबर में वो क्लियर हो जाएगा। एंड 26 नवंबर आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे, उस टाइम लगाएगा आपका सामने में पूरा एकदम झकझक कर रहा है हर चीज, तब जगह फाइनल में जाकर क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक वो मार्क होता रहेगा, आप क्वेश्चन देखिएगा धड़क धड़क से मारते रहिएगा। ओके, तो आप जगह ना कंप्यूटराइज्ड में, जैसे कि ना हम लोग टाइप करते हैं ना, मिनट में 150 को वर्ड, ऐसा करके आपको प्रिपरेशन करना है, तब जगह वहाँ जाकर कीजिएगा, 13 13 13 को क्वेश्चन, मतलब VRC में 13, DILR में 13, क्वांट में 13 को क्वेश्चन करके आएगा, वहाँ पर धड़क से आपको हो जाएगा पूरा एकदम, आपको मतलब 13 13 13 39 40 लगभग 40 × 3 120 मतलब 99.99% है, आपको IIM अहमदाबाद बेंगलोर कलकत्ता से कॉल आएगा, चाहे आपको 60% हो आपको 10th में, 80% हो आपको 12th में, आप ग्रेजुएशन में 70% हो, आपका कॉल बिल्कुल आएगा, हो सकता है कि आपको वास्तविक नहीं हो, लेकिन आपको 100% होने से, 99.99% होने से कॉल बिल्कुल आएगा। तो ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर, तो इसमें क्या हो ना, मैं बार बार बताता हूँ,
सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर का अप टू 24th नवंबर, दैट इज अ बहुत क्रूशियल टाइम बिकॉज देर इज अ मॉक टाइम। एंड मार्च अप्रैल मई में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जून जुलाई में आपको कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर इम्प्लीमेंटेशन, एंड बाकी जो रेस्ट जो 3 months है सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर उसमें जाकर आपको रिविजन ऑफ मॉक्स देना है, मॉक्स को एनालिसिस करना है, रिविजन ऑफ मॉक एनालिसिस, एंड 26 नवंबर जाकर फाड़ देना है कैट को, तब जाकर फाइनल हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मेरा वीडियो को लाइक ठोको जरूर, स्ट्रीम को लाइक ठोकिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा वीडियो रहा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।